वेलकम बैक टू जागो लाहौर जनाब। ब्रेक के बाद अब डिस्कशन हम करेंगे हार्ट इश्यूज के ऊपर के जो दिल के अमराज हैं वो कौन कौन से हैं, उन पे किस तरह से प्रिवेंशन की जा सकती है, क्या एहतियाती तदाबीर होनी चाहिए। इस पे डिस्कशन के लिए हमारे मेहमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं। डॉक्टर एजाज करल ने हमें ज्वाइन किया जो कि कार्डियोलॉजिस्ट हैं, उसके साथ साथ हमारे रिपोर्टर होंगे बिलाल चौधरी, उनको भी हम वेलकम करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। सबसे पहले डॉक्टर साहब आपकी जानिब आएंगे, हम हार्ट इश्यूज की बात करते हैं, दिल के मसाइल की बात करते हैं, बेसिकली किस तरह के इश्यूज जो हैं वो आजकल ज़्यादा कॉमन हैं और फिर वजूहत भी डिस्कस करेंगे। जी थैंक यू। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूं कि आपने आज एक अहम टॉपिक डिस्कशन के लिए रखा है। ये एक ना सिर्फ अहम टॉपिक है, हेल्थ इशू है, बल्कि मैं ये समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक बर्डन है बोथ फॉर द फैमिलीज जिनमें ये मसाइल पैदा होते हैं दिल के, एंड आल्सो फॉर द पाकिस्तानी गवर्नमेंट। तो जहाँ तक बात है कि हार्ट इश्यूज किस किस्म के होते हैं, तो मेरे ख्याल से इसको अगर हम ब्रॉडली क्लासिफाई करें तो ये दो कैटेगरीज में हम इनको डिवाइड कर सकते हैं। एक वो है जो कंजेनिटल हार्ट इशू हैं जो कि पैदाइश से ही दिल के मसाइल पैदा हो जाते हैं, और दूसरे वो हैं जो कि ज़िंदगी में अक्सर 20-30 साल की उम्र के बाद पैदा होते हैं, वो अक्सर दिल के अटैक और उनकी पेचीदगियाँ सामने आती हैं। तो दो ही कैटेगरी में इनको हम डिवाइड करते हैं। तो वजूहत क्या होती हैं बेसिकली, अगर हम बात करें कि आज हमारे लाइफस्टाइल को डिस्कस करेंगे, किन वजूहत की वजह से ये इश्यूज जो हैं प्रवानित हैं? जी वजूहत में सबसे पहले तो चार जो मेजर रिस्क फैक्टर गिने जाते हैं इंटरनेशनली भी, जितनी भी हमारी रिसर्च हैं सारी चीज़ें हैं, उनमें सबसे पहले स्मोकिंग का फैक्टर आता है, उसके बाद सेकंड नंबर पे हाइपरटेंशन आता है, फिर डायबिटीज शुगर का रिस्क फैक्टर आता है, और चौथे नंबर पे कोलेस्ट्रॉल लिपिड्स का ज़्यादा होना, ये एक चार रिस्क फैक्टर गिने जाते हैं। लेकिन इसके एडिशनली अगर बात की जाए तो उसमें जो लाइफस्टाइल चेंजेस हैं, सीडेंट्री लाइफस्टाइल, जो ऑफिस में काम करना है, ये भी एक बड़ी वजह उभर के सामने आ रही है दिल के मसाइल के पैदा होने में, कि हम एक्टिव लाइफस्टाइल को छोड़ के अब एक सीडेंट्री लाइफस्टाइल की तरफ आ रहे हैं। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा बिलाल आपकी जानिब आएंगे, हम फैसिलिटीज़ की बात करेंगे, यहाँ पर हम मेडिकल की जो भी तमाम तरह जरूरत है, लेकिन जो कार्डियोलॉजी है इसमें बहुत सारे जो इश्यूज़ हैं और फ्लॉज हैं, उस हवाले से भी हेल्थ फैसिलिटीज़ के हवाले से। बिल्कुल अर्मिला, हेल्थ फैसिलिटीज़ से पहले मैं कुछ फिगर्स शेयर करना चाहूँगा कि ये हार्ट के जो इश्यूज़ हैं पाकिस्तान में, दुनिया भर में सालाना 1,70,00,000 अफराद जो है वो हार्ट अटैक से उनकी डेथ हो रही है, और पाकिस्तान में जितनी भी डेथ हो रही है उससे 30-40% जो हिस्सा जो है ये हार्ट अटैक्स और हार्ट से रिलेटेड जो बीमारियां उनकी वजह से ये डेथ हो रही है। और इनमें अब यह कुछ चंद सालों से जो टीन एजर्स हैं उनमें कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक की एक रेशियो जो है वो बढ़ रही है। ये एक बहुत ही एक हमारी एज कॉम एज नेशन हमारे लिए बड़ा एक अलमिया है, क्योंकि इनकी जो सबसे अहम जो टीन एजर्स में हो रहा है ये स्ट्रेस की वजह से, स्मोकिंग ट्रेंड की वजह से, ये दो ट्रेंड्स की वजह से, इनएक्टिव लाइफस्टाइल की वजह से, ये दो तीन चीज़ें जिनकी वजह से जो टीन एजर्स हैं ये भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहे हैं कार्डिक इश्यूज़ में, और जिसकी वजह से ये हार्ट के जो इश्यूज़ हैं ये बढ़ रहे हैं। अब ये देखें, अब इतनी बड़ी हमारे पास ये लोग मुबतला हो रहे हैं हार्ट में, सिर्फ पंजाब की अगर बात करें ना, और शहर लाहौर ये सिर्फ 1.5 करोड़ आबादी पर मुश्तमिल शहर है, सरकारी सतह पे जो स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल है वो सिर्फ एक है, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी। आप उसकी सूरत हाल का अंदाज़ा लगा लें, आप इसकी इमरजेंसी में जाएँ ना, तो इवन के ये एक साल पहले इसको थोड़ा सी इसको एक्सटेंशन भी दी है, पहले इसकी इमरजेंसी 50 बेड की, अब ये तकरीबन 250 बेड की हो गई, 200 बेड की इन्होंने एक्सटेंशन की थी। इंस्टेड ऑफ डैट ऑल थिंग्स कि पेशेंट अभी भी व्हील चेयर्स पर रख के, ऐसे उनको ड्रिप्स लगी हैं बेचारे ऐसे बैठे हैं और उनका ट्रीटमेंट हो रहा है व्हील चेयर्स पर, हार्ट के जो मरीज़ हैं उनकी व्हील चेयर्स पर उनका ट्रीटमेंट हो रहा है, देखें कितनी खौफनाक सूरत हाल है, और ये सारा जिम्मा। और वहाँ पे तो मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस ऐसा हुआ कि मैं किसी अपने रिलेटिव की बात बताऊँ तो उनको ले जाने के लिए उसने हार्ट का प्रॉब्लम है और उनको कहा कि जनाब आप 2 महीने बाद की डेट आपको मिलेंगे। देखिए ना अर्मिला, ये बड़ी आम फहम है, 2 माह बाद क्या किसी को ओपन हार्ट सर्जरी किसी को करवानी हो तो उसको फौरी जरूरत होती है, उसको 1 साल का टाइम दे दिया जाता है, एंजियोग्राफी के 6-6 माह 1-1 साल का टाइम दे दिया जाता है। यार इतने लोग मुबतला हो रहे हैं, गवर्नमेंट क्या सोई हुई है? एक हमारे ऐसे जो कार्डियोलॉजी जो हॉस्पिटल है ना, एटलीस्ट हमें लाहौर में 1 से 2 मजीद फर्दर तो आप लोगों को इतना अच्छा लाइफस्टाइल दे दें कि उनको इस तरह के मसाइल ना हो, या आप उनको हेल्थ फैसिलिटीज तो एटलीस्ट देखें। अब इसमें जो इशू और भी हैं,
अब एक कार्डियोलॉजी में तो हमने बता दिया कि जनाब ये सारी सूरत हाल है, स्टंट्स पिछले दिनों जो है वो खत्म हो गए थे, सिर्फ उनको मिल रहे थे जिनके जनाब वो जो पे कर सकते हैं प्राइवेटली उनको तो फौरी मिल रहे थे। हमेशा एंड पे आके जो पीसता है जो फंसता है वो होता है गरीब आवाम, गरीब ना बेचारा प्राइवेट में उसको फैसिलिटी होती है, अगर फैसिलिटी मिलती भी है तो उसको कहते हैं जनाब जाओ एक साल के बाद आना, वो सिफारिशें ढूंढता है, जिसके पास प्राइवेट है वो तो थोड़ा बहुत करवा सकता है। अच्छा, अगर हम अपने जो बड़े जो टीचिंग हॉस्पिटल्स हैं उनमें भी कार्डिक वार्ड है, ठीक है, उनमें मतलब सरसिस अस्पताल में अभी नवाज शरीफ एडमिट है लेकिन उसमें कार्डिक वार्ड नहीं है, इसके अलावा हमारे म्यो हॉस्पिटल में, जिना में, गुलाब देवी में और इस तरह ही शेख जैद में, इन हॉस्पिटल्स में कार्डिक वार्ड है लेकिन वहाँ पर उस तरह की फैसिलिटीज़ नहीं है, लेकिन अगर हैं भी तो लोग वहाँ पे जाना पसंद इस वजह से नहीं करती क्योंकि वो स्पेशलाइज्ड नहीं है। पीआईसी में लोग, पीआईसी में ना सिर्फ लाहौर बल्कि पाकिस्तान से, पंजाब भर से बल्कि पाकिस्तान से लोग पीआईसी में आके अपना इलाज कराते हैं क्योंकि उनको पता है ये एक स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल है। और इस पे सबसे अहम जो चीज़ है, गवर्नमेंट को इसमें अपना किरदार बड़ा रैपिडली अदा करना चाहिए। मैं जब ये हेल्थ की जर्नलिज्म जब करता हूँ, मैंने अपनी जिंदगी का एक एम बना लिया है कि दो इशूज पे मैंने अपना फोकस रखना है, एक हार्ट के जो हॉस्पिटल्स है वो बनाए जाए एटलीस्ट, एक कैंसर का हॉस्पिटल, अभी भी पिछले दिनों कल कैंसर का एक दिन पहले गुजरा है। और यकीन करें पाकिस्तान में जो है वो हर नवा बंदा वो उसमें है वो बिल्कुल ऐसे। बिलाल, इस पर मजीद भी आपसे जानेंगे, डॉक्टर साहब आपकी जानिब दोबारा आएंगे। हम हेल्थ की बात, लाइफस्टाइल की आपने बात की, क्या एज ग्रुप है जिसमें ज्यादा हार्ट के प्रॉब्लम्स देखने में आ रहे हैं, चाहे अब तो टीन एजर्स में भी बहुत ज्यादा मसाइल है, इसकी क्या वजह है? जी अर्मला, उस पर देखें, वजह को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि आज से वन डेकेड पीछे चले जाएं, 10 साल पीछे, तो हम जो समझते थे दिल के मसाइल वो 45-50 ईयर्स से ऊपर के लोगों में दिल के मसाइल आम थे, और इंटरनेशनल डेटा भी इसी को सपोर्ट करता है कि दिल के मराज जो है ना वो 50 साल के बाद ज़्यादा पैदा होते हैं। लेकिन रिसेंटली या ओवर वन डेकेड ये एक रैपिड इंक्रीज हुआ है, ट्रीमेंडस इंक्रीज हुआ है इन कार्डियक पेशेंट, उसमें जो एज डिस्ट्रीब्यूशन है वो 45 या 50 की निस्बत वो अब नीचे आ गई है, वो 30 से नीचे, इवन के पंजाब में, लाहौर में, पीआईसी में हमने 20 से बिलो के पेशेंट पिछले साल में ऑलमोस्ट कोई 4-5 जो 20 से कम एज के लड़के थे उनको भी दिल के अटैक के साथ सामना हुआ और वो अस्पताल में लैंड किया और फिर उनकी एंजियोग्राफी की गई और सारा कुछ हुआ। क्या वजह क्या थी उनको? देखिये, वजह के हवाले से कोई वसूख से कहना तो अभी या कोई ऐसी रिसर्च तो सामने नहीं आई, लेकिन उसमें जो मेजर कंट्रीब्यूटर या रिस्क फैक्टर अभी तक हम उनको हाईलाइट कर सकते हैं, उसमें तीन अहम रिस्क फैक्टर मैं कहूँगा। एक तो रैपिड चेंज इन लाइफस्टाइल है, जो कि मैंने पहले अर्ज किया कि हमारा अब सीडेंटरी लाइफस्टाइल की तरफ हम ज़्यादा हो गए हैं, पहले जो एक्टिविटी लेवल था हम बाइक और गाड़ियों का इस्तेमाल शायद इतना नहीं था जितना आजकल हो रहा है। उसके साथ साथ दूसरा जो अहम रिस्क फैक्टर है, हमारी यंग पॉपुलेशन में स्मोकिंग और इस तरह के ट्रेंड बहुत ज़्यादा आम होते जा रहे हैं। और थर्ड वन जो मैं समझता हूँ वो है रैपिड चेंज इन द फूड एंड डाइट, दैट हैज़ बीन शिफ्टेड टूवर्ड द फास्ट फूड, फ्राइड चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल हो रही हैं, फ्राइड फूड के अलावा हम तली हुई चीज़ें और फिर लो क्वालिटी, उसमें जो इंग्रेडिएंट यूज़ हो रहे हैं, जो मटेरियल यूज़ हो रहा है वो भी क्वालिटी का नहीं है, स्टैंडर्ड्स का नहीं है। स्पेशली बात करें अगर ऑयल की, घी की, तो इंटरनेशनली तो घी हर जगह बैन है, आपको कहीं दुनिया में चले जाएं तो घी नहीं मिलता, और पाकिस्तानी चूंकि इकॉनमी इतनी स्ट्रांग नहीं है, गरीब आवाम है, वो अफोर्ड नहीं ऑयल करते तो वो घी इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह मेरे ख्याल से डाइट भी एक अहम इशू है। जो तीन मेजर रिस्क फैक्टर हमें लग रहे हैं अदर देन जो मेजर इंटरनेशनली शुगर, ब्लड प्रेशर और ये मसाइल तो हैं ही, उनके अलावा ये भी इसमें एक चीज़ और है, ये जितनी भी डाइट और इनएक्टिव जो लाइफस्टाइल है ये बड़ा मेजर इसमें अपना करैक्टर प्ले करता है। जब भी आप 30 जब बिलो जाते हैं ना, उसके बाद आपकी जो ग्रूमिंग हो रही होती है ना वो रुक जाती है। 30 के बाद आप जितने फिर एक्स्ट्रा जो भी आप मील लेते हैं उसकी जो फैट्स होती है वो बॉडी में अब्जॉर्ब होना शुरू हो जाती है। हार्ट अटैक क्यों होता है? हार्ट अटैक इस वजह से होता है जब आप एक्सरसाइज नहीं करते, अब एक्स्ट्रा डाइट लेते हैं, आप जंक फूड का एक्सेसिव यूज़ ऑफ जंक फूड और या ऑयली चीज़ें, तली चीज़ें आप करते हैं, तो आपका जो उनका जो चिकनाई होती है, जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो बढ़ना शुरू हो जाता है, जमना शुरू हो जाता है। फिर एक जब आप एक्सेसिव यूज़ करते रहते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते, अपने जो बर्न नहीं करते फैट्स को, तो फिर वो ब्लड में जाके उनकी जो शरियाने हैं वो तंग होती हैं, फिर उसके बाद क्लॉट बनना शुरू हो जाते हैं। जब ये क्लॉट बनता है ऑयल की वजह से, लोथरे जिसको कहते हैं, तो फिर उसके बाद ये सडन ये अटैक करते हैं, ब्लड की जो सर्कुलेशन रुक जाती है तो हार्ट अटैक की सूरत इख्तियार कर जाती है। तो इसमें बहुत बड़ा जो हम अपनी आवाम को भी इसको जो मैसेज देना चाहेंगे कि हार्ट की
की बीमारियों से बचने के लिए एक्सरसाइज इज वेरी नेसेसरी, फिर उसके बाद अच्छी खुराक, और तीसरा जो एलिमेंट है वो है तम्बाकू नोशी। और अच्छा, इसमें मुझे एक मेरे माइंड में बात आ रही कि ये ख्वातीन में भी हार्ट अटैक की रेशियो, पहले ख्वातीन में बहुत कम थी, अभी ख्वातीन में भी जो हार्ट की जो रेशियो है वे बहुत ज़्यादा हो रही है, और इसमें जो ऐसे पेशेंट जो कि हाई ब्लड प्रेशर के हैं और जो डायबिटीज़ के हैं, और हाई ब्लड प्रेशर के भी बहुत सारे लोगों को सडन जो है ये अटैक भी आने शुरू हो गए हैं, और इस पर भी है। मैं तो ख्वातीन के हवाले से मैं डॉक्टर साहब से थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लेना चाहूँगा, ख्वातीन में क्यों ये बड़ी तेज़ी से ये हार्ट अटैक की? जी बिलाल, इसमें मैं ये समझता हूँ कि बिल्कुल आपने बचाव फरमाया कि पहले हम ये समझते थे जो हम स्टैटिस्टिक्स देखते हैं कि ख्वातीन की रेशो बिलो 40 या 50 की एज में ज़्यादा ये अटैक नहीं होते थे, मर्दों में ज़्यादा थे ख्वातीन में कम थे, आल्दो कि ये रेशो 50 से ऊपर ख्वातीन और मर्दों में आलमोस्ट सेम हो जाती है। अगर हम इसको यूं कह लें कि 30% 50 के बाद ख्वातीन होती हैं और 24-25% मर्द होते हैं जो दिल की मर्ज में मुबतला होते हैं, लेकिन ये रेशो पिछले कुछ 10 सालों में रिवर्स होना शुरू होगी कि ख्वातीन को भी अर्ली एज में लेस देन 40 भी अटैक होना शुरू हुए हैं। उसमें मैं वही दोबारा उस पर एम्फेसाइज करूँगा कि शायद अब स्मोकिंग ट्रेंड हमारी ख्वातीन में भी आ गया है, ना कि ख्वातीन, मैं तो ये कहूँगा कि हमारी डॉक्टर कम्युनिटी बहुत ज़्यादा इसको बस देखा देखी एक ट्रेंड चल रहा है कि जी ये शौक के तौर पे शुरू किया जाता है और फिर वो एक आदत बन जाती है जो कि बहुत ही मुज़र है। ठीक हो गया। अच्छा जी, हमारे साथ कॉलर हैं जी परवीन, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम बरमुल्ला, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। ये बेटा मैंने ना डॉक्टर साहब से बात करनी है, खरल साहब से। जी जी करें करें बात, बिल्कुल डॉक्टर साहब हमारी कॉल से। जी डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब मुझे ना हार्ट का मसला है, तो अब ये नौबत आ गई, एक तो मेरे हाथों की पल्स वाली जगह पे ना पेन फील होती है, पेन, और दूसरे ये कि अगर मैं मोटा तकिया लगा लेती हूँ तो हाथ सोने होने फील होते, उंगलियाँ, हाथ, इसकी क्या वजह है? जी शुक्रिया, आपको पहले तो ये बताइएगा शुगर का मर्ज तो नहीं है साथ में? नहीं नहीं, मुझे शुगर नहीं है, मुझे ब्लड प्रेशर है। ठीक है, ब्लड प्रेशर है, और दिल का आपको क्या मर्ज तशखीस हुआ है, क्या बताया गया, अटैक हुआ है या कुछ और? एंजियोग्राफी करवाई थी ये डॉक्टर हॉस्पिटल से अभी थोड़े दिन हुए, मगर उसके बाद से तबीयत मुकम्मल सेट नहीं जा रही, कभी पल्स वाली जगह पे दोनों हाथों में पेन फील होती है, और कभी अगर डबल तकिया लगा लो तो हाथ सुन्न होने लगते हैं। डॉक्टर शहरयार साहब से मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है, मैं उनके पास भी गई थी पिछले दिनों, मगर अभी कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इसकी क्या वजह हो सकती? जी देखिए मेरे ख्याल से, ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग प्रवीण साहिबा, बहुत शुक्रिया जी। मेरे ख्याल से इनको जो अलामत अभी जाहिर हो रही है, हाथों का सुन्न होना या हाथों में दर्द होना, तो ये दिल की एक अलामत नहीं समझी जाती, और खासकर इनकी पोस्चर से, इनकी बॉडी को पोजीशन से ये चीज़ एग्रेवेट हो रही है, तो ये एक मोहरों का या एक असाबी और पट्ठों का मसला ज़्यादा लग रहा है। इस हवाले से मैं इनको यही कहूँगा कि दिल की अलामत ये नहीं लग रही, इसमें इनको किसी न्यूरो फिजिशियन से कंसल्ट करना ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक हो गया। कॉलर हैं जी फारूक, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी मैडम मैंने डॉक्टर इजाज़ खैर साहब से बात करनी, मेरी पिछले दिनों एंजियोप्लास्टी हुई है, उस सिलसिले में फारूक साहब। जी डॉक्टर साहब मेरी अभी पिछले हफ्ते हुई है एंजियोप्लास्टी, अब उसमें एंजियोप्लास्टी में जाहिर है जो आपकी रुकी हुई आर्टरी है उसमें से आपको स्टंट डाल दिया जाता है ताकि खून का जो रुकावट है वो दूर हो जाए। अब मेरी जो लेकिन लेफ्ट वेंट्रिकल में उस साइड पे जो उन्होंने स्टंट तो डाल दिया है, लेकिन मतलब ये कि जो हार्ट अटैक के दौरान जो फाइबर डेड हो जाते हैं उस साइड पे, और जो उसकी जो आउटपुट है वो मतलब 50-30% जो रह गई हुई है, वो जो उसका वापसी है कि 50% नॉर्मल जो उसे होना है, वो सुना है कि वो एलोपैथी सिस्टम में कोई उसका इलाज नहीं है, ये अपना नेचुरल ग्रोथ है उनकी फाइबर की, कि जब तक वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रोथ करेंगे। सवाल क्या है? मैं समझ गया हूँ, मैं फारूक साहब का क्वेश्चन समझ गया हूँ। फारूक साहब आपको दिल का मसला हुआ है और दिल का अटैक हुआ है, और शायद आपको फौरी या कुछ देर में आपको दिल के शरियानों के अंदर स्टेंट डाल दिया गया है, तो मेरे ख्याल से आपके लिए तो एक खुशकिस्मती की बात है, और आपको तसल्ली बख्श रहना चाहिए। जो आपकी इकोकार्डियोग्राफी हुई होगी या एंजियोग्राफी पे ही बाज़ दफ़ा दिल की फंक्शनिंग और दिल की पंपिंग असेस की जाती है, वो आप बता रहे हैं कि वो 35% पे आ गई है, तो उस हवाले से जो हम समझते हैं कि 40 डेज तक या 4-6 वीक्स तक जो है ना दिल स्टन हो जाता है, दिल के पट्ठे प्रॉपर फंक्शनिंग में नहीं आते, वो हाइबरनेट हो जाते हैं, उनकी फंक्शनिंग वो अपना जो लेवल है ना वो थोड़ा कम कर लेते हैं, तो इसमें
कह लें कि 80-90% तो ये रिवाइव हो जाता है, ये फंक्शन बेहतर हो जाता है, और खासकर जिस तरह आपको फौरी स्टेंट डाल गया तो इंशाल्लाह आपकी इम्प्रूवमेंट होप्स हो के विद इन 40 days या 4 to 6 weeks ये रिवाइव हो जाएगा, ठीक हो गया। नेक्स्ट कॉलर जी असमत, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या कहना है? डॉक्टर साहब से बात करनी है। जी जी करें बात। कि मेरा ना बाई साइड से दर्द होता रहता है, तो और मैंने इको करवाई तो उसमें उन्होंने कहा कि तो आपका थोड़ा सा दिल बढ़ा हुआ है और एक वॉल जो है वो लीक कर रहा है, तो ये इसके लिए क्या करना चाहिए? मैंने कई मतलब ECG कराई लेकिन नॉर्मल आई जी। इसमें साहबा आपकी एज कितनी है? 66 है। 66 है माशाल्लाह। और वाल की लीकेज कितनी बताएगी, है वो थोड़ी सी या मामूली है या बहुत ज्यादा आपको बताएगी? अब ये नहीं, मैंने हम याद नहीं रहा मेरे, लेकिन अच्छा चलें ठीक है, ठीक है। उसमें देखें कुछ चीजें हैं जो उम्र के लिहाज से हम नॉर्मल समझते हैं, तो एक तो जो है उन्होंने बताया कि आपके दिल के वाल्व थोड़ा सा लीक हो रहा है, तो ये कोई बहुत बड़ी परेशानी की बात नहीं, मामूली लीकेज जो है, मामूली दर्जे की लीकेज वो एज के लिहाज से 60s के ऊपर समटाइम आ जाती है, और कुछ पेशेंट्स में ये तंगी आ जाती है, लीकेज की बजाय तंगी आ जाती है, तो इनको हम एज रिलेटेड चीज़ें समझते हैं। अगर ये तंगी बढ़ती है तो इसके लिए मैं आपको ये एडवाइस करूँगा कि आप फ्रीक्वेंटली या एटलीस्ट हर साल के बाद एक दफ़ा एकोकार्डियो का टेस्ट जरूर रिपीट करवाया करें, ताकि इस तंगी को असेस किया जाए और इस लीकेज को असेस किया जाए कि ये बढ़ तो नहीं रही, उसके अकॉर्डिंगली इसका इलाज किया जाएगा। दूसरा आपका क्वेश्चन ये था कि आपको सीने में शायद लेफ्ट साइड पे दर्द रहती है, तो इस दर्द की नोयत के लिए आपने इनिशियल टेस्ट तो ECG करवाया, और मैं आपको बताऊँ कि ECG 50% लोगों में तो ठीक आती है, आपको मजीद टेस्ट की ज़रूरत पड़ सकती है, चूँकि आपको ब्लड प्रेशर का शायद इशू है कि नहीं है, आपको मजीद टेस्ट उसमें ETT या स्ट्रेस टेस्ट स्ट्रेस थेलियम की तरफ जाना चाहिए। सही हो गया, ठीक है। नेक्स्ट कॉलर जी हमारे साथ फातिमा, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी फातिमा। जी मुझे डॉक्टर इजाज से बात करनी है। जी जी करें बात। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब मेरी जो एज है वो 38 years ओल्ड है, और BP का पहले तो लो होता था शादी से पहले, लेकिन शादी के बाद थोड़ा सा BP जो था वो हाई रहने लगा, और उससे फिर ये हुआ कि मेडिसिन वगैरह डॉक्टर ने दी हैं जो लाइफ में लेती तो हूँ, लेकिन कभी कभार मेरे हाथ या पाँव थोड़े बहुत सुन हो जाते हैं, तो इसका आप बताएंगे, क्योंकि डॉक्टर ने मेरे कहा कि ऐसा आप अपना पूरा जो एक होता है ना आप पूरा स्केड्यूल बनाएं, तो मैं मेरे साथ एक ये भी प्रॉब्लम है कि जब मैं कभी हॉस्पिटल जाती हूँ ना तो तब मेरा BP जो है थोड़ा सा छूट कर जाता है, अदरवाइज घर में इतना नहीं होता, तो एक तो आप मुझे ये रेकमेंड करें कि मुझे इस हाथ और पाँव के सुन होने की वजह से मुझे क्या करना चाहिए, कभी कभार होती है मोस्टली नहीं होता। जी थैंक यू फातिमा, मैं सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहूँगा कि जो आपके ब्लड प्रेशर का इशू है, खासकर आपने जिस तरह बताया कि जैसे ही हॉस्पिटल जाती हैं तो वो ज़्यादा रीडिंग आती है, हाई आती है, तो इसमें तो ये एलिमेंट ठीक है, इसको हम वाइट कोट हाइपरटेंशन कहते हैं। मैं या कोई भी एक आम बंदा जाता है डॉक्टर के पास तो वो थोड़ा एंक्शस होता है, थोड़ा परेशानी में होता है, तो उसकी रीडिंग हाई आती है, ठीक है। और रिकमेंडेशन ये होती है कि उसको एज ए ब्लड प्रेशर हम ट्रीट नहीं करते, जो पेशेंट का होम या एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर होता है उसको ही सही कंसिडर किया जाता है। अगर आपकी ये रीडिंग घर में ठीक है तो आपको उन्हीं मेडिसिन से ही कंटिन्यू करना चाहिए। बाकी कुछ असाबी कमजोरियाँ, कुछ हड्डियों की पट्ठों की कमजोरियां ख्वातीन में पाकिस्तानी में बहुत ज़्यादा आम है जो आपके हाथ सुन्न होते हैं, तो उस पर मेरे ख्याल से सिंपल आप कोई भी मल्टी विटामिन्स यूज़ कर सकते हैं या फिर किसी न्यूरोफिजिशियन डेफिनेटली डाइट तो ज़रूर करनी है, क्योंकि पाकिस्तानी कम्यूनिटी में कैल्शियम विटामिन डी की बहुत ज़्यादा कमी है और वो इन दर्दों की और इनकी वजूहत बन रही। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया बिलाल आपका भी जनाब। आज हमने आपको हार्ट इश्यूज के हवाले से अवेयरनेस भी दी, कुछ सिम्टम्स हमने डिस्कस किए कि खुदा ना खास्ता किसी को ऐसा कोई प्रॉब्लम है तो किस तरह से ट्रीटमेंट उसका पॉसिबल है, और ओवरऑल हमने आज कोशिश की कि इन्फॉर्मेटिव प्रोग्राम आपके लिए किया जाए ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सके। अभी हम आपसे इजाजत लेंगे, इंशाल्लाह आपसे हमारी मुलाकात होगी कल। फीडबैक के लिए हमारा फेसबुक पेज है जागो लाहौर का, और इनके साथ का शो आपने मिस किया तो शाम 5 बजे रात 1 बजे रिपीट भी होगा। कल तक के लिए हमारी तरफ से अल्लाह हाफिज़।